तो और भी क्या हो सकता है क्या? ठीक है, आपका ये सवाल हर्ष अभी जो हमारे साथ पैनल है उन्होंने लिया था, उनका ये कहना था कि जिस तरह से ये प्रोसीजर आगे बढ़ाया जा रहा है, बच्चों को शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन टीचर्स की भी अपनी तरफ से कोशिश यही कि उसको इम्प्लीमेंटेशन में जितना स्मूथली आगे बढ़ाया जा सके वो किया जा सके। राहुल सहगल आ गए हैं हमारे साथ। राहुल पूछिए अपना सवाल। हेलो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पेपर डेटशीट वगैरह कब आएगी? ठीक है राहुल, आपका सवाल है तो अभी लगता है हमें कि 31 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शिक्षा मंत्री की तरफ से तो उस पर तारीख और तरीका क्या होगा इस पर क्लैरिटी आएगी। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपके जो सजेशंस हैं वो हम सीधे शिक्षा मंत्री के सामने रख सके। सोनू राज है हमारे साथ। सोनू पूछिए सवाल अपना। सोनू अगर आप तक आवाज आ रही है सवाल पूछिए अपना। चलिए ठीक है, इस बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक पांडे, जो बातचीत अभी बच्चों की तरफ से हुई है, मैं चाहूंगी कि अगर शिक्षा मंत्री इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कोई 3 सजेशंस जो आप देना चाहें उन्हें आने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, या क्या फैसला लेना चाहिए उसे लेकर? हाँ, तो पहला सुझाव मेरा ये है कि शिक्षा मंत्री बच्चों के हितों का ध्यान में रखते हुए मई के पहले परीक्षा की घोषणा न करें, मेरा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। दूसरा सुझाव, ये 30% सिलेबस को लेके जो कंफ्यूजन है इसको क्लियर करें, और सभी विद्यालय ये सुनिश्चित करें कि वो जो कट गया है उसे ना पढ़ाएं, और CBSE को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई प्रश्न उस 30% में से ना आए, नहीं तो ये एक कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो ये मेरा दूसरा है सजेशन है। और तीसरा सजेशन ये है कि शिक्षा मंत्री भी इसका आग्रह करेंगे बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, कि वो मानसिक रूप से तैयार होकर बच्चों को विद्यालयों में भेजें, जिससे कि बच्चे और टीचर जिस दिन से मिलना शुरू कर देंगे उनकी समस्याओं का, उनकी दुविधाओं का धीरे धीरे अलग होना निश्चित हो सके। मैं आपको भी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, ज्योति गुप्ता जी आप भी अगर कुछ सुझाव देना चाहें शिक्षा मंत्री को, कोई 3 सुझाव आपकी तरफ से। इसमें जो सर ने अभी बोला है उसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी कि जो एक लर्निंग लॉस बच्चों का हुआ है पूरे साल में स्कूल में ना आकर, तो उसका ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए कि हम जिस भी तरह के डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT NEET या क्लासिक से बारहवीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनेट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट। साथ ही डॉटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। दूसरा एक संवाद जो है वो पेरेंट्स के साथ बनाना बहुत जरूरी है। स्कूल्स को जहां अपनी कोविड गाइडलाइंस के बारे में पता रहना चाहिए, थोड़ा सा स्कूल्स के साथ भी स्ट्रिक्ट रहना होगा कि वो जितनी भी कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सारा स्कूल एक साथ ना खोल के सिर्फ बोर्ड की परीक्षाएं जो है 10वीं और 12वीं जिनके की स्टेक्स बहुत ज्यादा आए हैं, सिर्फ वही क्लासेस को खोल के पूरे स्कूल में मतलब जो है उनको फेस टू फेस टीचिंग कराई जाए। तो एक संवाद जो है वो पेरेंट्स के साथ और स्कूल के साथ दोनों के साथ खोल के तभी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा जो एग्जाम्स हो तो उसमें बच्चों को इनफ टाइम मिले, मतलब जो भी